42 इज हियर, अभिवादन आपका इस नए वीडियो में। केमिस्ट एट प्ले 24 अलग अलग तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बहुत सारे लोग ढेर सारा इनका सामान भी खरीदते हैं। उनमें से आप ही लोगों ने इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करके पिक और किक सीरीज का वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की। तो इस वीडियो से आप जानेंगे कि केमिस्ट एट प्ले के कौन से प्रोडक्ट्स करें पिक और कौन से किक। इस वीडियो सीरीज में मैं अपने टॉक्सिकोलॉजिस्ट की मदद से प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करके उन्हें किक और पिक कैटेगरी में बांटता हूं। किक कैटेगरी में ऐसे प्रोडक्ट्स हम रखते हैं जिनमें मैं स्वयं अपना कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इनको बनाने के लिए टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। वहीं पिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मैं स्वयं बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकता हूं और इसीलिए मैं इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड भी करता हूं, क्योंकि इनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स नहीं इस्तेमाल हुए हैं। आइए अब बात करते हैं किक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले हमारे टॉक्सिकोलॉजिस्ट ने एनालाइज किया केमिस्ट एट प्ले के 3 बॉडी वॉशेस के, और इनमें सबसे पहला नाम है एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश, दूसरा है एक्ने कंट्रोल बॉडी वॉश और तीसरा है हाइड्रेटिंग बॉडी वॉश। इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फिनॉक्सी एथेनॉल, फ्रेग्रेंसेस, डाइसोडियम एडिटा जैसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। इसके बाद नंबर आता है बॉडी स्क्रब का। कंपनी सिर्फ एक बॉडी स्क्रब बनाती है और उसका नाम है एक्सफोलिएटिंग बॉडी स्क्रब। उसके बाद एनालाइज किया गया अंडर आर्म रोल ऑन, नेक, नी और एल्बो ब्राइटनिंग रोल ऑन को। इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। अब नंबर आता है केमिस्ट एट प्ले के बॉडी लोशंस के बारे में बात करने का। 4 अलग अलग तरह के बॉडी लोशन कंपनी बनाती है और इनमें सबसे पहला नाम है ब्राइटनिंग बूस्ट बॉडी लोशन, दूसरा है डेली हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन, रेटिनॉल बॉडी लोशन और AHA बॉडी लोशन। इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फिनॉक्सी एथेनॉल, फ्रेग्रेंसेस, डाइसोडियम एडिटा जैसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक स्किन केयर प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए 0.5 से 0.8% फिनॉक्सी एथेनॉल उपयोग होता है। हमारे शरीर की क्षमता की अपर लिमिट 1% है और यह भी हिंदुस्तानियों की नहीं यूरोपीय और अमेरिकी लोगों की स्किन पर आधारित है। और जब आप बार बार फिनॉक्सी एथेनॉल वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके स्किन के माइक्रोबायोम के गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको फिनॉक्सी एथेनॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं फेस सीरम्स की। कंपनी 4 अलग अलग फेस सीरम बनाती है और इनके नाम है हाइड्रेटिंग फेस सीरम, एक्ने कंट्रोल फेस सीरम, ब्राइटनिंग फेस सीरम और हाइपर पिगमेंटेशन कंट्रोल फेस सीरम। इसके बाद हमने एनालाइज की केमिस्ट एट प्ले के 3 फेस वॉशेस की इंग्रेडिएंट लिस्ट, और इनमें सबसे पहला नाम है ऑयल एंड एक्ने कंट्रोल फेस वॉश का, दूसरा प्रोडक्ट है जेंटल हाइड्रेटिंग फेस क्लेंजर और तीसरा प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग बूस्ट फेस वॉश। इसी तरह केमिस्ट एट प्ले एक आई क्रीम बनाता है और इसका नाम है हाइड्रेटिंग एंटी एजिंग अंडर आई क्रीम। इन सभी प्रोडक्ट्स में फिनॉक्सी एथेनॉल को प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह इंग्रेडिएंट स्किन माइक्रोबायोम के साथ ही रिप्रोडक्टिव, न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, ऐसा जानवरों पर हुआ अध्ययन हमें बताता है। अभी भारत में कानून के अभाव में सब कुछ जायज है, तो मिलाते रहिए और लगाते रहिए। अब आइए बात करते हैं केमिस्ट एट प्ले के मॉइस्चराइजर की कहानी के बारे में। तो 2 मॉइस्चराइजर कंपनी बनाती है, इसमें सबसे पहला नाम है हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर और दूसरा है ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर। इसके अलावा भी कई अन्य प्रोडक्ट्स केमिस्ट एट प्ले बनाता है। इसमें सबसे पहले हमने एनालाइज की एक्सफोलिएटिंग पीलिंग सॉल्यूशन की इंग्रेडिएंट लिस्ट, उसके बाद आता है जेंटल फोमिंग हैंड वॉश और तीसरा प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग डे क्रीम विथ SPF 30। इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए फ्रेग्रेंस, प्रिजर्वेटिव, फिनॉक्सी एथेनॉल और लीवर टॉक्सिक डाइसोडियम एडिटा का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं है कि इन प्रोडक्ट्स की 2 या 4 बोतल इस्तेमाल करते ही आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात आप याद रखिएगा, अगर इन इंग्रेडिएंट से बने प्रोडक्ट 10 से 20 साल आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन प्रोडक्ट्स के साथ आप कितनी बीमारियां अपने घर अपने ही पैसे से खरीद कर ले आ रहे हैं, और एक बार अगर आप बीमार हो गए तो उस बीमारी को रिवर्स कर पाना दुनिया के किसी भी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए,
कि हमारी स्किन टाइप और प्रोटीन लेवल यूरोपियन और अमेरिकन लोगों जैसा नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स हमें जो मिल रहे हैं उनकी कोई भी टेस्टिंग हिंदुस्तानी स्किन पर आज की डेट में उपलब्ध नहीं है। अब आइए बात करते हैं केमिस्ट एट प्ले के पिक सीरीज के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट स्टिच मार्क्स एंड स्कार फेडिंग ऑयल ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट नहीं है और आप इसे खरीद सकते हैं। तो यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। केमिस्ट एट प्ले के आप कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भविष्य में आप पिक और किक सीरीज में किस कंपनी का वीडियो देखना चाहते हैं। आप उन कंपनियों के नाम अगर कमेंट करेंगे तो हमें वीडियो बनाने में थोड़ा मदद होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।